हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल आज का टॉपिक है पार्ट फोर्टीन एंड पार्ट फिफ्टीन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के आइन का पार्ट फोटीन ए और पार्ट फिफ्टीन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे पहले पार्ट की तरफ चलते हैं पार्ट फोर्टीन एफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ट्राइब्यूनल इट वॉज इंसर्टिड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवनटी सिक्स एंड इट कंटेन्स प्रोविजन एस्टेब्लिशमेंट पावर्स एंड जरिस्टिकस ट्राइब्यूनल इन इंडिया पहले ये आइन में नहीं था इसे इंसर्ट किया गया था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जो 1976 में किया लाया गया था पार्ट 14 व्हाट डज पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर इसमें क्या क्या आता है पार्ट 14 ए डील्स विद ट्राइब्यूनल नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन है व्हेन वाज पार्ट 14 ए एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इसका आंसर है इट वाज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फोटी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में नैक्सट वाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द पार्ट फोटी एस का मक़द क्या है पार्ट फोटी ए प्रायमरी फोकस ऑन दबलमेंट एंड फंक्शनिंग ट्राइब्यूनल्स पहले ट्राइब्यूनल्स को एस्टेबलिश करना और फिर फंक्शनिंग इसका काम है नेक्स्ट क्वेश्चन आर डिसीजन मेड बाई ट्राइब्यूनल्स बाइंडिंग येस डिसीजनज मेड बाई ट्राइब्यूनल्स आर बाइंडिंग Next question can tribunal decisions be appealed? Yes, tribunal decisions can usually be appealed to higher courts. Higher courts may in a challenge kiya ja sakta hai, jo tribunal. Koi de. How do tribunals differ from regular courts? Tribunals are specialized bodies with expertise in specific areas while regular courts have broader jurisdiction. ट्राइब्यूनल जो होते हैं ये स्पेसिफ़िक एरियाज़ को कवर करते हैं और कोर्ट का जुरिस्डिक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होता है नेक्स्ट आर दियर एनी लिमिटेशन ऑन ट्राइब्यूनल प्रोसीडिंग्स येस ट्राइब्यूनल प्रोसीडिंग्स आर सब्जेक्ट टू सर्टन प्रोसीजरल रूल्स एंड गाइडलाइंस ये किसी स्पेसिफिक रूल के मुताबिक काम करते हैं लेकिन कोर्ट नहीं Are tribunal members appointed by the government? Yes. Tribunal members are typically appointed by the government based on their expertise. Next question, hai, Part 14A. Article 323A and Article 323B of the Indian Constitution pertain to the establishment of administrative tribunals and other tribunals for various matters, respectively. ये जब पार्टिकल सॉरी आर्टिकल थ्री हंड्रेड ट्वेंटी थ्री ए है ये डील करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स और ये आर्टिकल थ्री हंड्रेड ट्वेंटी थ्री बी है ये अदर ट्राइब्यूनल्स को रिलेट करता है मतलब इसमें आप देखेंगे ट्राइब्यूनल्स रिगार्डिंग टैक्सेस <laughs> नेक्स्ट पार्ट है Part 15 of the Indian Constitution deals with the election commission. It contains provisions regarding the superintendents, direction, and control of elections to parliament, state legislatures, and to the offices of the president and vice president. Part 15 Johai Election Commission of India ko deal karta hai. Or election chahe wo Parliament. पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो स्टेट लेजिस्लेचर का स्टेट इलेक्शन हो या वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो पहला क्वेश्चन चलते हैं व्हाट डज पार्ट फिफ्टीन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोकस ऑन पार्ट फिफ्टीन फोकस ऑन द इलेक्शन कमीशन पार्ट फिफ्टीन में इलेक्शन कमीशन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन द इलेक्शन कमीशन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट एज पर पार्ट फिफ्टीन नो द इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट इसे अपने दायरे में नहीं ला सकता आर्टिकल्स रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये आर्टिकल्स थ्री ट्वेंटी फोर टू थ्री ट्वेंटी नाइन ए इस भी इसके साथ भी है लेकिन जो रिपील हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर सुपर इंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ एलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन एलेक्शन कमीशन इसको रिपील किया गया था थ्री ट्वेंटी नाइन ए ये भी पहले था लेकिन अब इसे रिपील किया गया था वो हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे आर्टिकल 325, नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूड इन ए स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट और सेक्स आर्टिकल 325, आप किसी भी शख्स को इलेक्शन के लिए मतलब इलेक्शन इलेक्टोरल रोल्स में इंक्लूड करने के लिए कोई स्पेशलिटी नहीं होनी चाहिए बस सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए उसके लिए और एज होनी चाहिए बराबर एटीन नेक्स्ट है आर्टिकल थ्री ट्वेंटी सिक्स एलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजस्लेटिव असम्बलीज स्टेट्स टू बी ऑन द बेस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाई सफरेज इससे क्या बोलते हैं कि ये आर्टिकल थ्री ट्वेंटी सिक्स राइट टू वोट का है ये लीगल राइट right है हर किसी के लिए कोई भी बंदा वोट कर सकता है जो अट्ठारह साल के ऊपर हो और एलेक्टोर रोल में उसका नाम हो सिटीजन ऑफ इंडिया हो तभी तो उसका नाम होगा नेक्स्ट थ्री आर्टिकल थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सेवन है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू एलेक्शन टू लेजस्लेचर्स पार्लियामेंट का इलेक्शंस जो लजस्लेचर्स के लिए होता है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ये इसमें सेंटर का ही पावर ज़्यादा होता है आर्टिकल थ्री ट्वेंटी एट पावर ऑफ प्रोविजन विद रेस्पेक्ट एक्शन टू सच लेजिस्लेचर और जो बाकी का है स्टेट लेजिस्लेचर्स के मतलब जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट गवर्नमेंट को पावर होता है स्टेट लेजिस्लेचर का पावर जो होता है वो अपने स्टेट में क्या इलेक्शंस करवाएं आर्टिकल थ्री ट्वेंटी नाइन बार टू इंटरफ्रेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स कोर्ट का मुदखलत ये थ्री आर्टिकल थ्री ट्वेंटी नाइन आर्टिकल के मुताबिक नहीं हो सकता है आर्टिकल थ्री ट्वेंटी नाइन एफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिपीलड एंड नो लॉन्गर एग्जिट्स ये पहले था लेकिन अब नहीं है इसको रिपील किया गया है इट वॉज इनिशियली इंक्लूडेड टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू सर्टन एलेक्शन लॉज फ्राम जुडिशल स्क्रूटनी सो जुडिशल स्क्रूटनी से बचने के लिए ये पहले था लेकिन अब नहीं है इट वॉज लेटर रिपीटेड बाई 1978 में इसे चेंज किया गया था मतलब रिपील किया गया था विच रिमूव द इम्यूनिटी लॉज फ्राम रेस्टोरिंग द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यूटोर मैटर्स जो आर्टिकल थ्री ट्वेंटी है ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में था अब नहीं है इसे रिपील किया गया 1978 में फोटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए ताकि जो भी इलेक्शंस के मतलब क़ानून हो उन्हें जुडिशल रिव्यू किया जाए ताकि जुडिशरी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पायदान मिल जाए थैंक यू